हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, खम्मा गणेशा हुकम। हम हैं जी राजस्थान से, मेरा नाम है कंचन कुमार और हम बना रहे हैं, आज आपको दिखा रहे हैं ये गोंदे की सब्जी, गोंदे केरी की सब्जी। तो आपको ये रेसिपी शेयर करेंगे आज हम गोंदे केरी की। तो हमने यहाँ पे चूल्हा जला दिया है, चूल्हे पे बनाएंगे। तो हम चूल्हा जला दिया है, अब पहले गोंदे को थोड़ा बहुत उबालूंगी, क्योंकि गोंदे एकदम पक्के गोंदे ऐसे सब्जी, वैसे तो ये कच्चे गोंदे की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, अचार की जैसे सब्जी बनती है, लेकिन ऐसी सब्जी कभी अब और शेयर करूंगी। लेकिन आज सब्जी गोंदे केरी के साथ बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई लगा रही हूँ, मैं कढ़ाई में पानी डाल के गोंदा उबालने के लिए डाल दूँ। पहले मिलते हैं गोंदा उबालने के बाद में आपसे। हेलो गाइस, तो हम बना रहे हैं केरी गोंदे की सब्जी, और हमने कैमरा बाद में खोला है। हमने डाल दिया है इसके अंदर सूख डाली है, कलूजी डाली है, और ये केरी पटक दी है। केरी थोड़ी सी 4-5 मिनट के लिए पका लेते हैं, क्योंकि गोंदे तो उबले हुए हैं। गोंदे तो हमने उबाल लिए, उबाल के रखे थे यहाँ पे, ये रहे। तो इनको तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं। इतना सारा लहसुन है, अभी मैं डाल दूँ इसको तेल के अंदर। लहसुन लहसुन आपकी जितना हो उतना ही डालो, क्योंकि हमारे तो लहसुन ज़्यादा पसंद है, तो हमने ज़्यादा डाला है इसके अंदर। अभी पक रही है, थोड़ा सा लहसुन पक जाए फिर बाद में गोंदे डालेंगे हम। गेरी गोंदे की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, जिसको पसंद है कमेंट करके जरूर बताना गेरी गोंदे की सब्जी किस किस को पसंद है। हमारी फैमिली को बहुत पसंद है, हम बहुत पसंद करते हैं ज़्यादातर। और हमने ये गोंदे उबाले थे ना, तो थोड़ी सी हल्दी डाली थी, तो गोंदे का कलर एकदम वैसा का वैसा ही रह गया, नहीं तो ये गोंदे कलर चेंज हो जाता है। तो हमने हल्दी डाल दी उस पानी में, तो ये गोंदे एकदम वैसे वैसे। तो मेरे को पता नहीं आपके क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे गोंदे बोलते हैं। हमने पकड़ लिया इसके अंदर गोंदे, क्योंकि थोड़ी देर में तेल में गोंदे को भी भूनेंगे, तो ये गोंदे के वो लास्टल होती है ना, वो छूट जाएगी, फिर नहीं तो वो छूटेगी नहीं। ये थोड़ा सा तेल तेज ही होना चाहिए, जब भी छूटता नहीं तो छूटता ही नहीं है, तो अच्छी नहीं लगती वो, एकदम चिपचिपी सी सब्जी बनती है। तो मैंने दो मैंने लगेगा इस चूल्हे का जुगाड़ तो मुश्किल है यार, सब्जी अच्छे से नहीं दिखती, लेकिन चूल्हे का तो स्वाद ही डबल हो जाता है सब्जी में। अब हम पटकेंगे इसके अंदर मसाला गाइस, क्योंकि मसाला पटकने। अब थोड़ा सा हमने गोंदे को पका लिया इसके अंदर, पटक रहे हम मसाला। तो सबसे पहले पटक रहे हैं हम हल्दी, जितनी ये छोटी वाली चम्मच, 1.5 चम्मच हल्दी की पटकी एक आधी, लेकिन आपको जितनी पसंद है, थोड़ी सी हम हल्दी ज़्यादा खाते हैं सब्जी के अंदर, तो आपको जितनी पसंद है उतनी डालनी है। हमें थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, तो हम ज़्यादा ही खाते हैं, आपको जितनी पसंद हो उतनी डालो। और मिर्ची तो जो तीखापन तेज खाते हैं तो तीखी ज़्यादा डाले, और तीखापन कम खाते हो तो कम डालें। हम तो थोड़ी बीच वाली खाते हैं, नहीं तो ज़्यादा खाते हैं नहीं कम खाते हैं। थोड़ी सी इस सब्जी के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो सब्जी भी अच्छी बनेगी, नहीं तो गोंदे की सब्जी में थोड़ी मिर्ची तेज होनी चाहिए। मसाला पक रहा है गाइस इसके अंदर, देख लो एकदम। तो हमने अब नमक ले, नमक डालेंगे हम, डालेंगे इसके अंदर नमक, क्योंकि नमक इन्हें तो सब्जी का स्वाद ही अलग है।
नमक बिना तो सब्जी अच्छी भी नहीं बन के तैयार होगी। तो हम डालेंगे इसके अंदर नमक, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं, वो भी साथ में भूनेंगे। थोड़ी सी सूप में डालेंगे इसके अंदर कूट के गाइस, थोड़ा सा तेल ज्यादा पटकना चाहिए तो सब्जी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो हमने इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी, इतनी सी पहले सूप डाली ना, उतनी सूप डालूंगी मैं कूट के थोड़ी सी देर, जिससे टेस्ट अलग मस्त लगेगा। तो गाइस सब्जी पकने के बाद में मिलते हैं आपसे। तो गाइस हमने बना ली है सब्जी, बहुत हाथ जल गए, हमने बना दी है सब्जी, जरूर बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। गाइस कैसी बताना, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारी सब्जी आपको कैसी लगी। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है और हमने गुंडागिरी की सब्जी बना ली है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि हमारी बनी हुई सब्जी आपको कैसी लगी, बहुत अच्छी बहुत मस्त सब्जी बन के तैयार हुई गाइस।